हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लेख रचना रखड़ी का त्यौहार। तो जे तुसी चैनल ते पहली बार विजिट किया तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दी वीडियो। रखड़ी का त्यौहार। भारत त्यौहारों का देश है। इत्थे हर साल बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। रखड़ी का त्यौहार भारत के प्रसिद्ध त्यौहारों विच्चों एक है, जिस नूं राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। भैणां वल्लों भरावां नूं रखड़ी बन्नण का त्यौहार बड़े ही चावां नाल हर साल सावन के महीने की पूर्णमाशी वाले दिन मनाया जाता है। रखड़ी का त्यौहार वख-वख खेतरां विच आपो अपने रीति रिवाजां अनुसार मनाया जाता है। रखड़ी के त्यौहार नाल कई कथावां प्रचलित हैं, जिवें कि महाभारत काल के भगवत पुराण अनुसार मन्या जाता है कि एक समय विच श्री कृष्ण भगवान जी की बांह ते कोई सट लगन के कारण काफ़ी खून वहन लग्या ते उत्थे मौजूद द्रौपदी ने उसी समय अपनी साड़ी के पल्ले का टुकड़ा फाड़ के वगदे खून ते बन्निया अते कपड़े बन्नन दे तुरंत बाद ही खून वहना बंद हो गया, जिस दे बदले श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी नू उस दी रख्या करन दा वचन दिता। भरी सभा विच जदों द्रौपदी नू नगन करन दी कोशिश कीती गई तां उस समय साड़ी दी लीर दे टुकड़े बदले पता नहीं किन्नी लंबी साड़ी करके द्रौपदी दी लाज बचाई सी। एक होर कथा अनुसार देवराज इंद्र जदों लंबा समा दैत्या नाल युद्ध करता होया हार गया तां ओह देव बृहस्पति कोल गया अते रक्षा करन दी प्रार्थना कीती, तां उन्हां ने खमनी दे धागे नू अभिमंत्रित करके इंद्र दी पत्नी सची नू दे के इंद्र देव दे बनन लई कहा। उस वल्लों ए खमनी इंद्र दे बनन मगरों इंद्र द्वारा दैत्या नाल युद्ध करन लई गया तां इस राखी सदका उस दी रख्या होई अते युद्ध विच उस दी जीत होई। रखड़ी वाले दिन घरां दे बार लिप पोच के चिड़ियां छाप के अते राम राम लिख के अते कई होर तरीक्यां नाल इस दिन पूजा कीती जांदी है। विधि अनुसार रखड़ी वाले दिन भैणां अपने भरावां नूं रखड़ियां बन्नदियां हन अते भरा बदले विच अपनी भैन नूं कई तरह दे तोहफे दिंदे हन। रखड़ी दा त्यौहार भैन भरा दे आपसी प्यार अते मिल वर्तन दे रिश्ते नूं प्रकट करता है। सो ए सी रखड़ी दा त्यौहार ते लेख। जे तुहानूं इह वीडियो वधिया लगी तां इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।